Unites.com, redefining Bollywood. मेरी हर फिल्म, वेदर वो एड फिल्म हो, टेलीविजन हो या फीचर फिल्म हो, वो मुझ पे प्रेशर डालती है कि मैं अगली पिछली फिल्म से बेटर कुछ करके दिखाऊं। तो प्रेशर तो ऑफकोर्स है, और दूसरी चीज़ ये है कि हम उसे एक फीचर फिल्म की तरीके से हम लोग उसको अप्रोच कर रहे हैं, एड फिल्म की तरीके से नहीं, या तो टेलीविजन की तरीके से नहीं, एक फीचर फिल्म की तरीके से। सो लोगों को हर महीने एक फीचर फिल्म देखने को मिले, और प्रेशर तो बहुत है, क्योंकि क्या होता है कि जब बहुत सारी बंदिशें होती हैं आप पर, यू नो, तो हमको उसके पीछे छुपने के लिए जगह मिलती है कि अरे यार वो हो गया, बजट नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, स्टार की डेट्स नहीं थी, तो ये हो गया। यहाँ पे कोई उस तरीके का कोई प्रेशर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये हमारी स्क्रिप्ट है, जो भी हम लिखें और जो भी एक्टर्स को लें, जो भी गाने हो ना हो, वॉट एवर इट इज़ दैट वी हैव टू डू, एंड वी हैव टू एंटरटेन पीपल। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू देर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर, बिकॉज किसी ने किसी प्रकार का हम पर दबाव नहीं डाला है कि यही होना चाहिए या ये इस तरीके से होना चाहिए, नथिंग। सो जब ब्रीफ इतना ओपन हो तो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक प्रेशर बढ़ता है। देखिए, ये फिल्म के बारे में ज़्यादा ना बताऊं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि 30 मार्च को 23 मार्च को लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें। बस इतना कहना चाहता हूं कि तीन लड़कियों की कहानी है, फिलोसॉफी ब्रांड का था कि स्क्रिप्टिंग योर ओन स्टोरी। इस फिलोसॉफी के आसपास हम कई कहानियाँ लिख सकते थे, लेकिन पहले हमारा ये था कि विल कीप प्रोटैगनिस्ट गर्ल्स और बहुत म्यूजिक रखेंगे इसके अंदर। MTV के लिए फिल्म बन रही है, लेस सो आई थिंक आकर्ष एंड हिज टीम हैज डन इनक्रेडिबल जॉब। और मुझे लगता है कि ये आकर्ष की कास्टिंग, जो कास्ट है एंड इतने नए लड़के, इस फिल्म से मुझे एक फ़ायदा हुआ कि आई गॉट टू वर्क विद दिस न्यू टैलेंटेड टीम, और उनका उनकी एनर्जी, उनका उनका रिश्ता आपस में जैसा है, वो फिल्म में बहुत एविडेंट है। एंड ही रियली गॉट लिटिल ओवरबोर्ड। 45 मिनट की फिल्म बनानी थी, उन्होंने एक घंटे की बना दी, लेकिन इतनी अच्छी बनाई कि हमसे 15 मिनट काटा नहीं गया। तो काफ़ी सारे गाने हैं इसके अंदर, और उस एक घंटे के अंदर कुछ 26 गाने मतलब छोटे बड़े मिलाकर, और बड़ा मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि हमेशा ये म्यूज़िक जैमिंग होता था सेट पर, गिटारिस्ट होते थे और सिंगर्स होते थे और फोक सिंगर्स होते थे, तो इट वॉज ए यूनिक एक्सपीरियंस। आई थिंक दैट वे बोथ MTV एंड HUL हैव बीन वेरी जेनरस, बिकॉज दे हैव गिवन अस अ वेरी ओपन ब्रीफ इन दैट सेंस। ऐसे नहीं है कि हमें ज़बरदस्ती ठूसना है, इट्स मोर अबाउट द वैल्यूज, जैसे मैंने कहा, वो जो ग्लैमर एंड कॉन्फिडेंस एंड द काइंड ऑफ गर्ल दैट वी वॉन्ट टू पोर्ट्रे, हर वैल्यूज, वेयर शी कम्स फ्रॉम, इन सारे चीज़ें में उनके भी ब्रांड का जो आइडेंटिफिकेशन होता है। तो आई थिंक दोज आर वेरी नाइस वेज टू डू इट, एंड ऑफकोर्स देर इज अ वे विच, जो एक फिल्म में भी एक ड्रामेटिक एक पॉइंट पे अगर हम लेके आए तो उनको भी मजा आएगा, एंड होपफुली स्टोरी टेलिंग में भी एक हाई हमें मिलेगी, सो दैट इज होपफुली जो हम अचीव करेंगे। Thank you for watching. Click on the subscribe button and stay tuned.